मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका, लेकिन ये एक्चुअली वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला था। क्योंकि जब मैंने YouTube में दो तीन लोगों के वीडियो देखा जिनको मैं देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं उन लोगों के रिव्यूज देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं कोई रिव्यूअर या क्रिटिक तो हूं नहीं, मैं एज अ फैन मूवी को देखता हूँ और मुझे मूवीज देखना बचपन से शौक है। तो मैं ये जो YouTube में जो वीडियो बनाता देखो, इससे मुझे कुछ अर्निंग्स होते नहीं है। भले मेरा चैनल मोनिटाइज है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खास अर्निंग होती है नहीं। तो आप लोग ये समझ लो कि मैं आप लोगों में से ही एक इंसान जो मूवीज को देखता है, एंजॉय करता है, तो इसलिए से मैं झूठी बात नहीं करता। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँ कि अगर पेड रिव्यू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पैसे मिल रहे तो, लेकिन लोगों को ऐसा मत बोलो कि यार जाना ही जाना यार, एकदम फाड़ू मूवी, इस तरीके की बातें मत करो। तो वो सब कुछ क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं दो मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ, जिसका नाम है एक का बिगिल और दूसरे का नाम है हाउसफुल 4। तो जैसे कि मैं साउथ फिल्में ज्यादा पसंद करता हूँ, और हमेशा मैं अगर प्रीफर करता हूँ तो साउथ मूवी पहले प्रीफर करता हूँ बॉलीवुड से, क्योंकि साउथ मूवी में आपको एक्शन देखने को मिलता है, इमोशन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, और म्यूजिक भी उसकी अच्छी होती है, प्लस जो परफॉर्मेंस और डायरेक्शन होता है वो कमाल होता है। इस मूवी की बात करें बिगिल की, तो ये एटली और विजय की फिर से नई ब्लॉकबस्टर ही बोल सकते, क्योंकि साउथ में ये फिल्म बहुत ज्यादा चलेगी। हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई तो इस वजह से इतना नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी विजय की जो ऑडियंस है वो इस मूवी को जरूर देखेगी। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो एटली और विजय की जो प्रीवियस फिल्में थी, चाहे वो मार्शल हो चाहे वो थेरी हो, तो उस लेवल की ये फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको एक एंगेजिंग स्टोरी लगती है। हाँ, अलग आपको चक दे इंडिया की याद आएगी फिल्म देखते हुए, लेकिन फिर भी जो विजय का जो करिश्मा है, जो उसका स्टाइल है वो अलग ही, और जो एटली का जो डायरेक्शन करने का तरीका है वो तो कमाल है ही। फिल्म की बात करो तो फिल्म में विजय यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें विजय का आपको डबल रोल देखने को मिलेगा। तो जो बिगेल यानी कि विजय वो फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन उनकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, जिस वजह से वो फुटबॉल खेलना छोड़ देते। लेकिन आगे चल के जब उनका दोस्त जो फुटबॉल में वुमेन्स टीम का कोच होता है तो वो इंजर्ड हो जाता है, तो विजय एज अ कोच उस टीम को ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें उनकी लाइफ में प्रीवियस ऐसा क्या कुछ होता है वो सब कुछ जानने मिलता है, और क्या वो उस टीम को जिता पाते हैं कि नहीं, बेसिकली यही कहानी है। तो कहानी आप लोग लग रहे होगी कि कहीं पे सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इसमें मूवी में बोर हो गए तो वो उसके लेंथ है जो कि लगभग 2 घंटे 50 मिनट का, तो कहीं कहीं वो ही बोर लगता है। लेकिन उसके अलावा विजय का जो लव एंगल इसमें नयनतारा का बताया, तो वो आपको विजय की पुरानी फिल्मों की याद दिलाता है। और इसमें जो विजय जो उनके फादर का रोल प्ले कर, उसमें थोड़ा सा वो वॉइस को थोड़ा एकदम ऐसा थोड़ा भारी करके, तो ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती से फोर्सफुली वो उसको बोल रहे। उसके अलावा उनका रोल मुझे अच्छा ही लगा, वो हमेशा से सुपरस्टार है, और वो एक ऐसे एक्टर है जहां, और उनकी फिल्म आती है तो एज अ फेस्टिवल ही देखा जाता है, और वहां पे लोग सेलिब्रेट करते हैं विजय की फिल्म को। तो ये फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन जो एक मैजिक था ना जो एटली और विजय का, वो इस मूवी में थोड़ा सा मिसिंग लगता है। अदरवाइज ये मूवी एंगेजिंग स्टोरी के साथ आती है और परफॉर्मेंस में आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती। अब बात करते हैं वर्स्ट पार्ट की इस वीडियो की। तो वर्स्ट पार्ट इसका ये है कि हाउसफुल 4 के बारे में काफी लोगों के मैंने अच्छे रिव्यू सुना, जो कि मुझे काफी डिसअपॉइंट लगी, क्योंकि मैंने पर्सनली मूवी देखा और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस, चाहे वो सारे रिव्यूअर्स हो या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, तो वो लोग हमारी बात सुन के, अरे अगर हमारे वीडियो को 1000 लोग देख रहे तो कम से कम 250 या 300 लोग तो हमारी बात सुन के उस फिल्म को या उस वेब सीरीज को देखते होंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों के साथ लॉयल रहो यार। हमको जो पिक्चर पसंद आई वो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पूरी सारी ऑडियंस का सोचकर बोलो ना कि यार ये मूवी, क्योंकि इंसान जब पैसे कमाता है तो बहुत मेहनत से कमाता है, भले दिवाली में लोगों को बोनस मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि यार वो पैसा कहीं भी खर्चा कर दे। हाउसफुल फ्रेंचाइज की वर्स्ट मूवीज में से एक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में जितनी आपको हंसी आती ना, बस मूवी में उतने ही सीन पे आपको हंसी भी आएगी। उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती का आपको हंसने पर मजबूर कर रहे हैं, और जितने भी इसमें बड़े स्टार है उन लोगों के डायलॉग्स पे, उन लोगों के सीन्स पे हंसी नहीं आएगी, उल्टा आपको जॉनी लीवर और चंकी पांडे के सीन्स पे ज्यादा हंसी आएगी। अक्षय कुमार अलग है, अक्षय कुमार को आप बॉबी देओल और रितेश देशमुख से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉबी देओल तो इसमें क्यों है, किस लिए पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हाँ, रितेश देशमुख ने एज यूजुअल जिस तरीके से भांड वाला रोल पे, मैं कुछ और बोलने आता है, लेकिन वो रोल ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर जॉनी लीवर चंकी पांडे अच्छा है, ये वही पुनर्जन्म वाली कहानी है, और लॉजिक कुछ भी नहीं है साला। मतलब मैं आपको क्या बोलू यार, इससे अच्छा अगर पुनर्जन्म वाली फिल्म देखना तो करण अर्जुन जाके फिर से देख लो, आपको बहुत मजा आएगी। ये मूवी तो भाई मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल हंसी नहीं आती, क्योंकि मैं फिल्म देखता हूँ तो यार मैं जीता हूँ, मैं
फील करता हूँ, एंटरटेन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एंटरटेनमेंट के नाम से मुझे वही पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिली जो मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो यार आप लोगों को गाली देना देखो, क्योंकि मैं कोई बायस रिव्यू नहीं करता और मुझे ना एक रुपए का फायदा नहीं होता यूट्यूब से, मैं आप लोगों को पहले बता रहा। इसी मैं अपने खुद के एंटरटेनमेंट और आपके एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको हाउसफुल मूवी जाके देखना है, अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप जाके जरूर देख सकते हो। अगर आपको साउथ की मूवी पसंद है, आप विजय के फैन है, तो आप जाके बिगल देख सकते हो, क्योंकि बिगल हाउसफुल 4 से ज्यादा अच्छी लगी मुझे। बेस्ट नहीं है ये विजय की और एटली की बेस्ट मूवीज में से नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है। और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो मैसेज है वो तो एज यूजुअल अच्छा ही है, खराब तो है नहीं, लेकिन फिर भी उस तरीके के मैसेज भी हमने पहले फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना तो दोनों में से आप बिगिल को चूज सकते हो, अगर हाउसफुल भी करना था आप करिए। और अब बात करेंगे इस हफ्ते की दूसरी फिल्म के बारे में, तो दूसरी फिल्म का रिव्यू भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो माफ करना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। चल बाय।